बेसिक शिक्षा निदेशक की तरफ से खंड शिक्षा अधिकारियों की अनियमितता के बारे में कोई दिशा निर्देश जारी हुए, वो क्या है? देखिए, हमारे यहाँ शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें कुछ बिंदुओं पर विशेष रूप से उल्लिखित किए गए हैं कि इन इन बिंदुओं पे कोई ऐसी बात न हो। फिलहाल हमारे जनपद में अभी हमें कोई ऐसी बात संज्ञान में नहीं आई है कि कोई हमारा खंड शिक्षा अधिकारी कोई ऐसी अनियमितता में संलिप्त है। नहीं, उसमें ऐसा दिया गया कि चिकित्सकीय अवकाश के लिए उन्होंने किया है और उसके बाद उसे नहीं सीधे वेतन दे दिया गया है, पूरा चिकित्सकीय अवकाश स्वीकृत नहीं। जब से मैं इस जनपद में आया हूँ, हमने देखा कि जितने भी हमारे खंड शिक्षा अधिकारी अगर CCL स्वीकृत प्रार्थना पत्र अगर प्रसारित करते हैं मेरे यहाँ जनपद से, तो उनके सभी शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाएँ हमारे पास आती हैं और जो जेन्यून कारण है उसे हम देख करके और उसमें अंकित करके ही उनका जारी करते हैं। अभी किसी विकासखंड स्तर पर ये हमारे बात संज्ञान में नहीं आई है कि हमारे खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा CCL अपने स्तर से स्वीकृत किया। कई ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं क्या कि अमान्य स्कूल में जिनमें गैर मान्यता प्राप्त भी स्कूल चल रहे हैं कई सारे? देखिए, ये सूचना हमें भी प्राप्त हुई है और कई लगभग जनपद में 452 अमान्य विद्यालयों को नोटिस जारी किया जा चुका है और मैं पुनः फिर अपने अधिकारियों से हमारी बात हुई है, मीटिंग भी रखा था और उनको हम पत्र भी भेज दिए हैं और प्रेषित कर रहे हैं कि यदि कोई विद्यालय नोटिस देने के बाद भी जारी है तो निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उन्हें आप जो आर्थिक दंड का है प्रावधान 10,000 रुपये और अगर वो नोटिस जारी करने पर भी नहीं बंद करते हैं तो 1,00,000 रुपये, तो उसके लिए अगर उनको यहाँ से दंड स्वरूप पत्र निर्गत किया जाएगा और यदि वो पैसा फिर भी स्कूल संचालित करते हैं या वो धनराशि नहीं देते हैं तो उनके विरुद्ध RC जारी कराने के लिए रेवेन्यू की भांति RC जारी कराने के लिए संबंधित को पत्र प्रेषित किया।